जी अभिषेक, आप लोगों के साथ और काफ़ी दिनों से मुझे लग भी रहा था और कुछ दोस्त अब आप हैं वो मतलब मुझसे डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए। ये यूट्यूब पे भी एक दो दोस्त हैं, वो भी मुसलसल कमेंट कर रहे थे कि आप एक वीडियो प्रॉपरली बनाएं जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस करने की और पूरी वो स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करने की जो चीज़ें हैं वो सारी एक ही वीडियो में डिस्कस हो जाए। तो उसके लिए एक ये वीडियो है, थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं इसमें इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूँ कि आप ओवरऑल जब भी कभी स्टॉक मार्केट को बेसिकली या फंडामेंटली डिस्कस करना चाहेंगे तो आपके नॉलेज में ये चीज़ें सारी होगी, माइंड में कुछ चीज़ें क्लिक कर रही होंगी। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मार्केट को दो तरह से एनालाइज किया जा रहा है। अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो वो है जी, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में जो चीज़ें आती हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस कर दूंगा, चीज़ें बता दूंगा। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें बेसिकली टूल्स होते हैं कुछ जिनको यूज करके, प्रीवियस डेटा को यूज करके, किसी मार्केट या स्क्रिप्ट में से किसी को भी पिक करके आप उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं, उसकी वो बहुत सारे टूल्स अप्लाई करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि ये इसका ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, किस तरह से मूव कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगी, किस तरह से फ्यूचर में इसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जो अभी का इसका या हिस्ट्री को देखते हुए उसकी आप मतलब एक पूरा फ्लो आपको एक पिक्चर होती है, आप एंट्री एग्जिट पॉइंट अपने डिसाइड कर सकते हैं। वो होता है टेक्निकल एनालिसिस कि जो ट्रेंड बन रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड बन रहा है, ये तो हो गया। अब फंडामेंटल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल्स होते हैं कि ये जो ट्रेंड बन रहा है इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है, मोस्टली होती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि वो हिस्ट्री फंडामेंटली या फंडामेंटल्स को देखते हुए मूवमेंट बन रही हो, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स मैंने देखे हैं होते कचरा है, उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़ी उड़ान भरते हैं। कुछ शेयर्स होते हैं जो बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिविडेंड भी देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बुरा परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसकी शेयर प्राइस नहीं मूव कर रही होती। तो उसकी पूरी रीजंस क्या होंगी, किस तरह से है, वो सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उस पर मैं अभी स्टिल वर्किंग कर रहा हूँ, कुछ टूल्स मैंने उस पर अपनी वर्किंग की है, कुछ चीज़ें मैं समझ चुका हूँ, लेकिन फंडामेंटली भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हो जाएगी आपकी लर्निंग के लिए भी, और आप कल को इसको एनालाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि ये टेक्निकली एक स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में भी था, अचानक से उसमें क्या चीज़ बनी कि ये नेगेटिव आया, उसमें कुछ फैक्टर्स फंडामेंटल भी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसमें 556 कंपनीज हैं और उसमें 437 जो नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही है, नॉर्मल कैटेगरी में है, 119 डिफॉल्ट है, और ये कल की लिस्ट के मुताबिक है। ये सेकेंडरी मार्केट होती है, प्राइमरी नहीं है। सेकेंडरी में आप देख लीजिए कि कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट का सोर्स है उनका, कि वो कंपनीज अपना इन्वेस्टमेंट या रेवेन्यू जनरेट करती हैं, एक कैश फ्लो अपना एक्यूमुलेट करती हैं, किसके थ्रू, वो अपने शेयर्स जो उन्होंने मार्केट में फेंके हुए हैं उसमें इनके शेयर होल्डर्स होते हैं, वहां से कैश आता है, कभी राइट इशू करती हैं, इस तरह से वो अपना कैश अदर देन फाइनेंशियल मार्केट अक्यूमुलेट करती हैं। फिर उसमें होता यह है कि जो हम जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं वो किसी कंपनी जिस पे उनका बिलीव होता है या जिनका इनको लग रहा होता है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है या डिविडेंड अनाउंस करने वाले हैं, जो भी इस तरह की कोई एक्टिविटी है जिसमें हम अपना फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं और एक पार्ट बन सकते हैं कंपनी का जो हमें पसंद है या जिसका हमें लग रहा है, हमें क्लिक कर रहा है या हमारी रिसर्च कहती है कि ये लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देगी, तो ये एक इस तरह से हम किसी कंपनी का पार्ट बनते हैं। हिस्सेस होता है, बेसिकली एक पार्ट ही होता है, एक हिस्सा है वो जो कंपनी ने अपने टोटल कैपिटल को डिवाइड किया होता है कि जी ये 10 रुपये का, मोस्टली कंपनीज का 10 रुपये फेस वैल्यू है, उस हिसाब से उन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड किए होते हैं, वो होती है फेस वैल्यू। फिर आती है मार्केट वैल्यू, जो कि फेस वैल्यू से अपना ट्रेंड और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, अपना शेयर होल्डर्स की एक्टिविटी, एक कैपिटल गेन, सब कुछ मिला जुला के वो बढ़ या कम गई होती है, कम हो गई होती है, वो जो एक्चुअल आज के दिन में शेयर प्राइस है मार्केट में जितने पे वो बिक रहा है वो उसको कहते हैं जी करंट मार्केट वैल्यू। अब ये है जी शेयर्स का।
और शेयर्स में बेसिकली दो तीन तरह के शेयर्स होते हैं जो ब्रॉडर टर्म्स, वैसे तो बहुत सारी हैं जी, पेनी स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप्स होते हैं, फलां ढिमकान, वो बहुत सारे हैं। लेकिन जो अगर हम इसको ब्रॉडर टर्म्स में सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं जी, एक होते हैं जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, जिस जो रेगुलरली कंपनी पे आउट कर रही है, डिविडेंड दे रही है, एक होते हैं जी कैपिटल गेन देने वाले। जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं उनमें कुछ होते हैं जो कैपिटल गेन भी आपको अच्छा दे देते हैं, रेगुलरली डिविडेंड भी देते रहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन स्टॉक्स हैं वो होते हैं जी आपको डिविडेंड कभी इक्का दुक्का 4 साल 5 साल बाद 3 साल बाद, या बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया हो तो उन्होंने कभी डिविडेंड दे दिया, अदरवाइज वो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन देते हैं, या आपको एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए वो सूटेबल होते हैं। तो इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है शेयर्स की, जिसमें से टॉप परफॉर्मिंग या एक्टिविटीज के हिसाब से जो डिवाइड किए होते हैं वो मोस्टली होते हैं KSE 100, उसी में सारे स्टॉक्स कवर हो रहे होते हैं, जिनका वॉल्यूम भी अच्छा चल रहा होता है, जिनकी फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं वो भी एक रेशियो रीजनेबल होती है, तो ये शेयर्स होते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ शेयर्स होते हैं, मतलब KSE 100 तक महदूद नहीं है, इसके अलावा भी 50 से 60 शेयर्स कुछ अदर भी हैं KSE 100 के बाहर भी, जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ और ट्रेडिंग और आपको बोनस पे और डिविडेंड वो भी दे रहे हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं KSE 100 में आने की, KMI 30 में आने की, वो एक अलग बहस है, हम उसको कभी डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये एक जुआ है, सट्टा है, हराम है, ये एक सबसे पहला माइंड में कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन इस पे अगर आप यूट्यूब करेंगे तो आपको बहुत सारे फतवे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ तो मैं इस पे फतवा नहीं देता, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि इस्लाम में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, इन्वेस्ट करना हराम नहीं है, अनलेस उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जिस कंपनी के आप शेयर्स ले रहे हैं वो हलाल काम कर रही हो, उसकी सूदी इनकम, खास तौर पे सूद की इनकम या एक्सपेंसेस एक खास शरह तक हो, क्योंकि वो फिर ये शरिया कंप्लाइंट में आ जाते हैं। तो ये है। और तीसरा ये है कि कुछ मुफ्ती साहिबान कहते हैं जी कि जो शेयर आप खरीदें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी पोजेशन और ओनरशिप जब तक आपके नाम पे ट्रांसफर ना हो जाए दोनों चीजें, तो तब तक आपने उसको सेल आउट नहीं करना। तो स्टॉक मार्केट में होता है कि ये जिस दिन, अगर आज आपने कोई चीज खरीदी है, कोई शेयर खरीदा है, तो उसी दिन आपके नाम पे एक्चुअली ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, पोजेशन फौरी हो जाती है। तो ये आपको 2 दिन बाद आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है। इस वजह से आप अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करेंगे तो आप कम से कम तीसरे दिन जाके या 3 दिन होल्ड करने के बाद अपना शेयर सेल कर सकेंगे। इससे पहले अगर आप करेंगे तो मुफ्ती साहिबान कुछ कहते हैं, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, शरिया कंप्लायंट बोर्ड के चेयरमैन, आप उनके बेटे हैं, वो भी इसी को देख रहे हैं इन मैटर्स को, उनका भी यही मानना है, उन्होंने बाकायदा फतवा साइन करके और वो शेयर किया हुआ है, बहुत सारे पोर्टल्स पे आपको इजीली मिल जाएगा, कि 3 दिन से पहले सेल करना हलाल नहीं है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी होती है जी, उसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, वो हलाल नहीं है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने एक चीज खरीदी नहीं है और आप उसको कहते हैं जी कि बस आज के रेट पे हमें लग रहा है ये गिर रहा है, जैसे हम कैपिटल गेन है ना कि शेयर की प्राइस अप जा रही हो तो हम खरीदते हैं कि जी ये बढ़ेगी हम बेच देंगे। शॉर्ट सेलिंग उसके ओपोजिट है कि जब शेयर की प्राइस गिर रही होती है हम कहते हैं जी अब इसको वक्ती तौर पर बेच दिए, हम इसको दोबारा खरीदेंगे जब ये बहुत ज्यादा गिर चुका होगा। तो ये जो जब शॉर्ट सेलिंग की और जब दोबारा बाय बैक किया उसके दरमियान की जो प्राइस होती है, अगर वो गेन हुआ है ज्यादा सारा तो वो है जी वो आपका एक गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या मुफ्ती साहिबान की ये शरिया कंप्लायंट लिस्ट के मुताबिक वो हराम एक्टिविटी है, इसलिए आप स्टॉक मार्केट को एज ए होल नहीं कह सकते कि जी ये हलाल है, हराम है, जी ये सट्टा है, ये कैसीनो है, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हलाल भी है, इसमें हराम भी है। अगर आपने हलाल वर्किंग करनी है तो आपको एक 30 कंपनीज की, एक वैसे तो बहुत सारी कंपनीज और भी हैं शरिया कंप्लायंट, लेकिन एक प्रॉपर उसको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराई में एक बनाया गया था KMI 30 की मिजान इंडेक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो कंपनीज हैं जो हर लिहाज से उन्होंने मुख्तलिफ पैरामीटर्स लगा के चेक किया है कि वो कंपनीज बेसिकली फुल रिलायबल है, इस्लामिक रूल्स को और शरिया कंप्लायंट को वो मीट कर रही है,
आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बेधड़क होकर, और ये सोचे समझे बगैर कि पता नहीं इसमें हलाल है हराम है, क्योंकि उन्होंने वो लिस्ट रेगुलरली अपडेट होती है हर 6 महीने के बाद, तो आप इसको देख सकते हैं। अब उसके बाद आता है जी कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है, तो मैं आपको बताऊं मार्केट के कुछ फेजेस होते हैं। एक होता है अक्यूमुलेशन फेजेस, फेज होता है जिसमें हम कहते हैं जी कि माल जमा हो रहा है एक जगह पर, एक से मखसूस लिमिट में मार्केट घूम फिर रही होती है जी कि सपोज KSE 100 है, 46,000 रुपये है उसका इंडेक्स, तो अब ये मुसलसल 1 महीना, 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 25 दिन वो क्या कर रही है, वही 45,000 से लेके 46,200 के दरमियान मार्केट मूव करी जा रही है, या थोड़ी सी रेंज अगर बड़ी है तो जी आप कह लीजिए कि 44,500 से लेके 46,000 के दरमियान तकरीबन 1 महीने से मार्केट घूम रही है, दोबारा 46,000 रुपये आती है, फिर डाउन जाती है, और वो ये होता है जी अक्यूमुलेशन फेज। फिर एक ट्रेंड आता है जी अप ट्रेंड, हम उसको कहते हैं, उसमें होता ये है कि जो पिछला कोई हाई मार्केट ने बनाया होता है, सपोज पिछले महीने एक मार्केट ने बनाया था या पिछले हफ्ते बनाया था 44,700 का, उसके बाद नया हाई बना, अब वो 44,700 आपको दोबारा लेवल देखने को नहीं मिलेगा, अब आपको कोई नया टारगेट मिलेगा। अब ये हो गया अप ट्रेंड, हायर हाईज हायर लोज बनाती जा रही है मार्केट। और एक है जी डाउन ट्रेंड, उसमें ये होता है कि मार्केट गिरती जा रही है, जो शेयर की प्राइस आपको पिछले हफ्ते मिल रही थी अब आपको इस हफ्ते नहीं मिल रही, या पिछले महीने मिल रही थी वो अब आपको इस महीने में नहीं मिल रही, वो मखसूस शेयर का भी डाउन ट्रेंड हो सकता है, वो मार्केट का इंडेक्स का भी डाउन ट्रेंड हो सकता है। और एक होती है साइडवेज, एक इनडिसाइसिव मूव चल रही है, ना तो वो प्रॉपर अक्यूमुलेशन शो हो रही है, वॉल्यूम भी कम है, लेकिन एक मखसूस जो है ना रेंज में एक ही जगह पे अटकी हुई है मार्केट, अब समझ नहीं आ रही है शेयर की, कोई एक स्पेसिफिक शेयर आप कह लीजिए, स्क्रिप्ट कह लीजिए, कि वो एक जगह पे अटका हुआ। वैसे वो अक्यूमुलेशन फेज में भी हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अक्यूमुलेशन फेज थोड़ी सी ब्रॉडर टर्म है, उसमें माल इकट्ठा हो रहा होता है, बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे होते हैं, और इस तरह से कुछ अरसे के लिए मार्केट एक अपना एक फर्म बेस बना रही होती है। साइड वेज में ट्रेंड क्लियर नहीं होता कि किस साइड पे जा रही है, अक्यूमुलेट हो रही है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो इस तरह से। अब मार्केट पे कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि असरअंदाज होते हैं, एक उसमें से बहुत बड़ा फैक्टर है जी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्यों इतना बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मनी मार्केट में लोग या इंस्टीट्यूशंस, चले जी हम कह लेते हैं कि हमारे लोगों में इतना रुझान नहीं है कि जी सूदी काम करने का, जी के सूद पे पैसे इन्वेस्ट करें और कमाएं, हैं लोग काफी हैं वो भी, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट सेव रखते हैं, उसके लिए जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है 10 से 15%, 14%, 8%, कोई भी, वो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट या कोई अदर मार्केट जो है, फाइनेंशियल कैपिटल क्रिप्टो कोई भी मार्केट है, हमें अपने एनालिस्ट के हिसाब से उसमें कितना गेन मैक्सिमम हो सकता है मंथली या एनुअली, वो एक परसेंटेज निकालते हैं। अगर तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो डेफिनेटली ये इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, कंपनीज, कॉरपोरेट्स, वो सारे अपना सरप्लस जो पैसा होगा वो स्टॉक मार्केट की बजाय बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट करेंगे, वहां से अपना प्रॉफिट लेंगे और चलते बनेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो लोगों का रुझान, ये इंस्टीट्यूशंस का रुझान क्या होता है, वो कहते हैं यार इतना कोई प्रॉफिट तो होना नहीं है बैंक्स में रखने से, बेहतर है कि हम अपने एनालिस्ट और अपने एक्सपर्ट्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। और इस तरह से इनको ये एक बेनिफिट है कि इंटरेस्ट रेट कम पे, अभी आपने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से इंटरेस्ट रेट हाफ किया तो 14 से 7% के करीब आ गया, तो उसके बाद बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस, उनकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये एक आपको पता, आपने फील किया होगा, ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की अमाउंट बढ़ी, फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी आए जो सेफ इन्वेस्टमेंट करते थे, उन्होंने कहा यार वहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा तो यहाँ पे करते हैं, तो इस तरह से एक मनी मार्केट से एक्टिविटी कम होके ये कैपिटल मार्केट में आ गई। इसके अलावा जो इम्पैक्ट होता है जी स्टॉक मार्केट पे, जनरल अभी कर रहा हूँ, फिर मैं स्क्रिप्ट्स के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से भी अभी डिस्कस करूंगा, अभी आप जनरल चीजें समझ लीजिए। जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए कि जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ,
ओवरऑल पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ। अब हमारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे हमारी मेन इंडस्ट्री, मेजर इंडस्ट्री है जी टेक्सटाइल और उससे रिलेटेड जितने भी बनते हैं सेक्टर्स हमारे, वो है। अब आपने देखा कि जब पूरे यूरोप में, अमेरिका में लॉकडाउन हुआ तो हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत कम हो गई। हमने भी लॉकडाउन किया जब, तो हमारी प्रोडक्शन भी ख़त्म हो गई। और इस तरह से तारीख में पहली दफ़ा, या आप समझ लीजिए कि पिछले 10-15 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारा जीडीपी रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, ये 2019 में नेगेटिव हुआ। और नेगेटिव भी तकरीबन 1% या इससे थोड़ा सा कम था। और कुछ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, या एनालिस्ट जो अपना वर्किंग डाटा शेयर करते हैं, वो कहते हैं जी नेगेटिव में 1.4% के अराउंड था। तो इस तरह से एक रेट है, लेकिन जो रिलायबल इंस्टीट्यूशंस या हमारे स्टेट बैंक और उनके कुछ अदादो शुमार कहते हैं, वो कहते हैं जी कि 1% के अराउंड था नेगेटिव में, मतलब माइनस। तो ये एक उसका आपने इम्पैक्ट देखा कि स्टॉक मार्केट की तमाम कंपनीज के शेयर्स बहुत डाउन हुए। रिजल्टेंटली जो हमारा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स था वो 46,000 के अराउंड था, तो वापस आया 28,000, 30,000 इसके अराउंड चले गया। तो उसकी वजह यही थी कि हमारी जीडीपी बहुत नेगेटिव हो गई, कंपनीज के प्रॉफिट श्रिंक हो गए, उनकी सेल्स ख़त्म हो गई, उनकी प्रोडक्शन रुक गई, एक्सपोर्ट हमारी रुक गई। तो तकरीबन तमाम इदारे उनको इसका फर्क पड़ा और अल्टीमेटली हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में आया। अब मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने ये डाटा शेयर भी करते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान का सिर्फ डाटा शायद जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ है, बाकी दुनिया तो अभी भी तरक्की कर रही है। तो वो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि सिर्फ चाइना है जिसने ये 2019 के कोविड में भी तकरीबन 5% जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रखा। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट भी नेगेटिव रहा तकरीबन 3%, फ्रांस तकरीबन 4% से, जर्मनी भी 4%, जापान तकरीबन 5.5% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रहा, इंडिया का 7.5% नेगेटिव रहा, और यूके का तो तकरीबन नेगेटिव 10% तक चले गया जीडीपी ग्रोथ रेट। और पाकिस्तान का आप समझ लीजिए कि 1% या उससे थोड़ा सा कम, जो कुछ अदादो शुमार बताते हैं उसके हिसाब से। तो ओवरऑल देखें तो हमें उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे कोविड उस तरह से स्प्रेड नहीं हुआ, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। और इसके अलावा जो अब जब जीडीपी ग्रोथ रेट, अब नेक्स्ट आपको बताऊं कि जो करंट रेट चल रहा है वो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है, वो कहते हैं जी 1.50% है, 1.5%। और जो स्टेट बैंक का कुछ जगहों पे कहना था, लेकिन अभी वो आईएमएफ वाला ही जो प्रोजेक्शन, उन्होंने जो एक्चुअल फिगर्स अपने कुछ कैलकुलेशन दिए हैं उसी को प्रेजेंट करें, लेकिन कुछ ऐसा पहले तक उनका मानना था कि नहीं 2% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा हो चुका है। तो अब फ्यूचर का आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि फ्यूचर की हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट की प्रोजेक्शंस जो आईएमएफ ने दी है वो 4% है अगले साल के लिए, मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर जुलाई 2021 से लेके जून 2022 तक का। और दूसरा जो उससे नेक्स्ट ईयर का है 4.5%। तो इस तरह करके लास्ट ईयर जो पीटीआई गवर्नमेंट का होगा उस तक तकरीबन 5% तक की प्रोजेक्शन है, 4.5% से 5% तक की। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। और ये जो प्रोजेक्शन उन्होंने दी है आईएमएफ ने, उसकी बहुत सारी उन्होंने चीज़ें देखी हैं, जो अभी तक का हमारा डाटा है, जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड चल रहा है उसको देख के, एक्सपोर्ट को देख के, हमारे एक्सचेंज गेंस को देख के, एक्सचेंज स्टेबिलिटी को, या हमारे आप देख लीजिए कि डॉलर का रेट गिरा है क्योंकि हमारी रुपी एप्रिशिएट हुई है, तो ये एक फैक्टर है। उसके अलावा जी टैक्स रेट्स, इंसेंटिव्स, एमनेस्टीज, उसका बहुत बड़ा रोल होता है जी। जब टैक्स रेट्स कम होते हैं, जैसे ये 2019 के कोविड की जो बाद हमारा बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर्स को, खास तौर पे रियल एस्टेट को, आईटी को, उन्होंने कुछ इंसेंटिव्स फर्दर दिए थे। आईटी तो खैर पहले से ही था, रियल एस्टेट को खास इंसेंटिव्स दिए थे। फिर इन्होंने कुछ इंपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जो थे, इंडस्ट्रीज थी,
उनको भी कुछ मार्जिन दिया था, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं वो कम की थी। उसकी वजह से जो जो इंडस्ट्री या सेक्टर को इंसेंटिव मिला, उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई, तो इस तरह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ और उन्होंने अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में उनके शेयर्स की प्राइसेस बढ़ी। और जिन सेक्टर्स में टैक्स की जो एप्लीकेबिलिटी है बढ़ाई गई, हालांकि उसमें बहुत कम टैक्स रेट्स बढ़ाए गए थे क्योंकि कोविड था, कंपनीज की प्रोडक्शन रुकी हुई थी, तो टैक्स तो इतना खास कलेक्ट होने का चांस था नहीं, इस वजह से कोई खास बढ़ा नहीं था। उसके बाद फिर आपने देखा कि मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाई और मार्केट ने उसका इम्पैक्ट इस तरह से लिया कि अच्छा खासा गेन हुआ और पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, दुनिया की जो पांच बड़ी बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स हैं, वो उनमें पाकिस्तान का ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट शामिल हुई और इसको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड भी अप्रिशिएट किया गया। अब इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ भी हैं, वो हम बाद में फिर डिस्कस करेंगे या अभी शायद किसी और पॉइंट में हम करें। अच्छा जी, स्टॉक मार्केट पे फर्क और एक चीज़ का पड़ता है जी, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस का। जब स्टॉक मार्केट के कुछ हमारा जो मेजर बड़ा सेक्टर है वो है जी ऑयल सेक्टर है, रिफाइनरी सेक्टर है, और उस पे सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है जी, वो पड़ता है हमारी, अच्छा जी, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो हमारे स्टॉक मार्केट में 30 से तकरीबन 30% से ज़्यादा का जो पोर्शन है वो ऑयल सेक्टर का है। और अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज में भी क्योंकि इसका इम्पैक्ट आता है, वो सारी चीज़ें मिला लें, तो मेरे ख्याल में ये 35 से 37% के करीब पोर्शन बन जाता है जो ऑयल सेक्टर का बनता है। तो जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनकी भी शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं, तो वो ऑयल सेक्टर एक शेयर मार्केट में बेहतर परफॉर्म करता है, इसमें कैपिटल गेन का मार्जिन निकलता है। अभी खैर नहीं आ रहा ओजीडीसी पीपीएल उनका खास तौर पे, उसकी कुछ रीजंस हैं वो मैं नीचे अभी डिस्कस भी करूंगा आपसे कि और क्या रीजन है जिस वजह से ये अभी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अब इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बैंक्स की जो अर्निंग है, उनकी परफॉर्मेंस, उनके पास कैश फ्लो, उनकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, तो फिर वो बैंकिंग सेक्टर भी परफॉर्म करता है और बैंकिंग सेक्टर भी एक बड़े सेक्टर में शामिल है स्टॉक मार्केट के। इस वजह से ये इंटरेस्ट रेट का उस इस तरह से भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जी, इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स का भी फर्क पड़ता है, जैसे कि स्टील का था, अभी रिसेंटली चाइना ने एक्सपोर्ट करने पे जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स थी वो ख़त्म कर दी थी अपनी कंपनीज के लिए, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये आया कि फौरी तौर पर स्टील की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई चाइना में, और चाइना से हम काफ़ी सारी चीज़ें ये स्टील रिलेटेड और हमारी कंपनी की, हमारी इंडस्ट्री की जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होती हैं वो इम्पोर्ट भी होती हैं, तो वो एक्सपेंसिव हो गई। उसका इम्पैक्ट ये आया कि 3 से 4 बार ये 2 महीने में स्टील की प्रोडक्ट्स जो हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बहुत तेज़ी से उसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बढ़ गई, उसकी प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। और फिर भी शेयर प्राइसेस, हालांकि स्टील सेक्टर ने बहुत अच्छी जो प्रॉफिटेबिलिटी शो की, अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए थे बड़े शानदार आए थे, इसके बावजूद उनकी शेयर प्राइसेस गिरी, तो उसमें एक इम्पैक्ट ये इंटरनेशनल रॉ मटेरियल की प्राइसेस का भी था। इसी तरह पैकेजिंग इंडस्ट्री हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई पिछले दिनों, उसकी वजह ये थी कि पैकेजिंग इंडस्ट्री की कुछ जो हम इम्पोर्टर इम्पोर्ट करती है हमारी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के तौर पे, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में एक तो शॉर्टेज थी, दूसरा उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, और तीसरा उसकी रीज़न भी एक ये थी कि एक बड़ी कंपनी थी इंटरनेशनली, मुझे नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, उसने अपने ऑपरेशन कम किए थे किसी वजह से, और उसका इम्पैक्ट फिर पाकिस्तान की पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी आया, और अल्टीमेटली हमने देखा कि जो पैकेजिंग सेक्टर के शेयर्स थे उनकी प्राइसेस, शेयर प्राइसेस गिरी। इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में। सपोज न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट, नैसडक, निफ्टी, इसी तरह जब ये परफॉर्म कर रही होती हैं अच्छा, तो हमारी स्टॉक मार्केट भी अगले दिन से उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पे ना भी ले तो कुछ दिन में वो इम्पैक्ट लेती है।
अब अगर न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट ने या नैसडेक ने अच्छा परफॉर्म किया हो, एक अच्छी रैली दी हो, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, अनलेस यहाँ के हालात कोई दूसरे कोई बहुत ज़्यादा ख़राब ना हुए हो नॉर्मल सिचुएशन में, ये उसका इम्पैक्ट लेती है और अपनी रैली भी एक देती है। उसके इक्वल ना भी दे तो कम अज़ कम उससे थोड़ा सा कम ही सही, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट उसका आता है, मोस्टली आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ये हर हाल में आना है। कुछ अदर सर्कमस्टेंसेस, जैसे ये बहुत सारे अदर फंडामेंटल आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो भी इम्पैक्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और कोल प्राइसेस, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। गैस की प्राइसेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, खास तौर पे उन सेक्टर्स में पड़ता है जैसे केमिकल सेक्टर है। उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, उसका सबसे बड़ा पोर्शन 50% 60%, और कुछ सेक्टर, कुछ केमिकल कंपनीज हैं जिनका 60% तक का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की कॉस्ट बनती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ती है, या तो वो अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएंगे या फिर उनको प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कम होते देखनी पड़ेगी। उसका इम्पैक्ट फिर ये आता है कि फौरी तौर पर केमिकल सेक्टर के शेयर प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती है। कोल प्राइसेस, हमारा जो कोल है रॉ मटेरियल में एक के तौर पे, अब सीमेंट सेक्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो जब कोल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में या यहाँ पे बढ़ती है, उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आता है कि या तो सीमेंट सेक्टर को अपनी प्राइसेस रिवाइज करनी पड़ती है, अदरवाइज उनकी शेयर प्राइसेस भी कम होती है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। तो ये इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी। इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, हर कंपनी क्वार्टरली अपना रिजल्ट शेयर करती है, तो उससे आपको फर्क पड़ता है जी। अगर प्रॉफिट उनका पिछले साल के सेम क्वार्टर से बड़ा हो तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि पिछले साल से कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही है और उसकी शेयर प्राइस मजीद बेहतर होने का मार्जिन बढ़ गया है। अब बढ़ती है या नहीं वो एक सेपरेट चीज़ है, उसमें और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बनता है। इसके अलावा जी आपने देखनी होती है, रेशियो एनालिसिस करना होता है थोड़ा सा इनके फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स क्वार्टरली वो रिजल्ट अपना शेयर करते हैं, उसकी बैलेंस शीट में जाएं आप, उसकी करंट रेशियो देखते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, उसकी डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि उसकी जो अर्निंग पर शेयर आई है उसका और जो शेयर प्राइस है उसका कितने टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब कुछ सेक्टर्स हैं वो 5 टाइम होते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो 5 है, किसी की 10 है, किसी की 12 है। जो आपके हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं उसमें मेरा ख्याल है 10 से 12 की भी चल जाती है, तो डिफरेंट है। कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं लॉसेस में रहे लेकिन उनकी शेयर प्राइसेस अंधाधुंध बढ़ी। कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, जैसे ये एनआरएल है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कोई इतनी खास नहीं है कि उसकी शेयर प्राइस 600-700 को टच करने लग जाए। इसी तरह अटक रिफाइनरी जो है वो वैसे तो अभी स्टिल लॉसेस में है लेकिन उसकी शेयर प्राइस 240-250 रुपए तक गई है, 270 तक भी गई है। तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो ऑल्दो इम्पैक्ट पड़ता है लेकिन ये आप इसको अकेले फैक्टर को यूज नहीं कर सकते इसको, लेकिन कंसीडर किया जा सकता है जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी शेयर में, तो आप देखें कि एक अच्छी कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, उसकी प्राइस में भी लोग इंटरेस्ट हैं, वॉल्यूम भी चल रहा है, तो और वो उसकी जब अर्निंग पर शेयर बेहतर हो रही है, इट मींस कि उसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज, अब ये कंपनीज के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल से लेके मैंने ये स्टार्ट किया है। तो फ्यूचर एक्सपेंशन कुछ कंपनीज हैं जैसे डीजी खान सीमेंट है, लकी है, मैपल लीफ सीमेंट है, इसके अलावा इंटरलूप लिमिटेड है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को, नए प्लांट लगा रहे हैं। कि जो कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है उसने भी ये अनाउंस किया है, कुछ उसमें भी चल रहा है, तो ये अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं। जब वो एक्सपेंशन करेंगे तो डेफिनेटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है कंपनीज पहले भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब एक्सपेंशन भी कर रही है, तो इस तरह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने का मार्जिन है और हम उनमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ ग्रुप कंपनीज होती हैं जो पूरा पूरा ग्रुप होता है, जब उनमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो बाकी ग्रुप की परफॉर्मेंस या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को भी ऑब्जर्व करना होता है। जैसे निशात मिल्स है, अब निशात मिल के पास
निशात चूनिया लिमिटेड के भी शेयर्स हैं, निशात पावर लिमिटेड के भी हैं, जो उसकी दो और हैं, लाल पीर लिमिटेड है, पीकेजीपी है, उसके अलावा इसके पास डीजी खान सीमेंट के भी हैं, उसके अलावा इसके पास हैं जी एमसीबी के शेयर्स हैं, और बड़ी ठीक ठाक होल्डिंग है। अब आप देखेंगे जब एमसीबी डिविडेंड अनाउंस करता है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती बढ़े या ना बढ़े, निशात मिल्स की शेयर प्राइस बढ़ जाती है। उसकी वजह यही है कि इसकी अदर इनकम में वो जो वहाँ से डिविडेंड आता है वो शामिल होता है, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट फर्क पड़ता है। इसी तरह टीआरजी है, इसने बाहर के मुल्कों की जो आईबैक्स है वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज में, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में। तो जब इसका पोर्टफोलियो बाहर की कंपनीज की वो शेयर प्राइसेस बढ़ती है तो इसकी इक्विटी की अमाउंट बढ़ जाती है, तो टीआरजी को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेटसोल है, उसको बाहर की जो नेटसोल न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, उसका फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि ये इसकी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है, बल्कि उसने इसको इसकी कंपनी के पाकिस्तान, नेटसोल पाकिस्तान के 61% शेयर्स होल्ड किए हुए हैं। तो ये एक फैक्टर है, आपको ये रिलेशन भी देखना पड़ता है, तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। अब एक और मजे की चीज है कि अगर ऑटो सेक्टर जैसे पार्क सुजुकी मोटर है, होंडा कार है, अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जी, इनकी शेयर प्राइस बढ़ रही है, इनकी सेल्स बढ़ रही हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं में एंट्री लेनी है और समझना है कि जी हम ऑटो सेक्टर में बस जी इन्हीं शेयर्स में करेंगे। अब आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि इनकी शेयर प्राइसेस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अभी मार्जिन इनमें थोड़ा रह गया है बनिस्बत इसके कि इससे रिलेटेड दूसरे शेयर्स में, जैसे कि बैटरीज हैं, अटलस बैटरी है, एक्साइड बैटरी है। अब कंपनीज की गाड़ीज में इन कंपनीज ने कहाँ से बैटरीज डलवानी है, इन्हीं से डलवानी है। इसी तरह जनरल टायर है, पैंथर टायर है, अब उनसे टायर भी तो डलवाने हैं कंपनी ने, अगर गाड़ियां बेच रही है तो डेफिनेटली टायर की सेल भी तो बढ़ी। अब अगर आप देख रहे हैं कि पार्क सुजुकी मोटर्स और ये सारों के शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अल्टरनेटिवली इनके जो अदर अलाइड प्रोडक्ट्स हैं इनके शेयर्स में भी एंट्री ले सकते हैं, तो आपको इसका भी बेनिफिट होगा। अब मजे की चीज ये है कि स्टॉक मार्केट को सिर्फ 20 से 25 फैमिलीज कंट्रोल कर रही हैं, और इनमें 20 से 25 फैमिलीज या ग्रुप्स, उनके 50% से ज़्यादा, आप देखेंगे कि 50% से ज़्यादा पोर्शन शेयर मार्केट में इन्हीं कंपनीज का बनता है। अब एचबीएल एक पूरा ग्रुप है, ठीक है जी, निशात मिल, एमसीबी, ये एक ग्रुप है, पूरा नेटवर्क है जिसमें, और जो हम कहते हैं आईपीपी सेक्टर भी कवर होता है, एंग्रो ग्रुप है, वो एक पूरा ग्रुप है, तो आगा ग्रुप है, वो भी एक पूरा ग्रुप है। तो इसी तरह से आप इनके ये ग्रुप की परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, ये फैमिलीज में मूव कर रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉक मार्केट 100% एक आपको एग्जैक्ट आइडिया देती है जी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे मूव है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी और इकोनॉमी का बहुत फर्क पड़ता है इन कंपनीज पे भी, ये एक रियलिटी है। लेकिन आप इसको एक टूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि क्योंकि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स इस लेवल तक पहुंच गया है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी दुनिया में छाए जा रही है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जी, अभी तक की अगर आप देखें कि स्टॉक मार्केट ने किस तरह से इकोनॉमी का, जीडीपी का असर लिया था, तो जब पीटीआई गवर्नमेंट आई तो उस वक्त कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसी तरह जब 2019 आया उसमें फिर कोविड की वजह से नेगेटिव जीडीपी रेशियो चले गया, जैसे कि मैंने स्टार्ट पे भी बताया। अब पाकिस्तान का जीडीपी रेशियो 1.5 पॉजिटिव में चल रहा है, और फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसके बहुत सारी रीजंस हैं, लॉजिक्स हैं, वर्किंग्स हैं, जिसकी बेसिस पे 4% चल रहा है, और 4.5% उससे नेक्स्ट ईयर, तो उसका इम्पैक्ट आपने देख लिया कि कुछ हद तक स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, कुछ स्टिल मार्जिन चल रहा है कि जी फ्यूचर में हम इसमें मजीद देखेंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, इवन जो आरिफ अबीब हैं और एकेडी हैं, इनकी हाउस रिसर्च के मुताबिक स्टॉक मार्केट को 55,000 से 52,000 से लेके 60,000 के दरमियान ये एक साल के अंदर देखने की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली क्या होता है।
अब मजे की चीज एक और बताऊं कि स्टॉक मार्केट में जब एंट्री आप लेते हैं तो आपने देखना है कि कुछ शेयर्स होंगे रिजल्ट उनके क्वार्टरली रिजल्ट से पहले एक अच्छी रैली बन चुकी होगी। आपने रिजल्ट्स के बाद बहुत केयरफुल रहना होता है क्योंकि रिजल्ट के बाद कुछ शेयर्स में तो फौरी रैली बन जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है कंपनीज की उसके हिसाब से दोबारा से शेयर प्राइसेस ने एडजस्ट होना होता है और एक बड़ी अच्छी खासी करेक्शन आनी होती है स्टॉक मार्केट में। तो रिजल्ट के बाद आपको थोड़ा सा क्यूरियस होना पड़ता है। इसी तरह जब बजट अनाउंसमेंट होने वाली होती है, अब जैसे फाइनेंस बिल आने वाला है जून में आता है, तो उससे पहले ही कुछ सजेशंस कुछ रिकमेंडेशन चल रही होती हैं, तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स अपना हाथ खींच लेते हैं, या तो वो ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, उसी दिन अपनी पोजीशन क्लियर की, बाय किया, सेल किया, प्रॉफिट बुक किया, दैट्स इट, या फिर वो कुछ अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट या वर्किंग करते ही नहीं है कि जब तक क्लैरिटी ना हो जाए, फाइनेंस बिल अप्रूव ना हो जाए, उसके बाद उसको देखते हैं कि मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट कर ली अकॉर्डिंगली, देन वो उसके हिसाब से चलते हैं। अब कुछ शेयर्स या कंपनीज ऐसी होती हैं जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन उनकी चल रही होती है, जैसे मैंने ऊपर कहा कि ऑयल सेक्टर है, हालांकि इसको इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ मूव करना चाहिए, जो कि नेगेटिव से लेके माइनस से शुरू हुआ था और अब पॉजिटिव 65 तक चले गया, 70 तक भी टच कर सकता है, अभी फ्यूचर में तो 85 तक की भी आवाज है। तो लेकिन आपका पीपीएल ओजीडीसी जो कोविड से पहले नेगेटिव जब चल रहा था, उस वक्त जो शेयर प्राइस इनकी थी तकरीबन वही चल रही है। उसकी एक रीजन है कि ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है इनकी बहुत बड़ी। एक तो गवर्नमेंट ने इनके सर्कुलर डेट पिछले कई सालों से इनका जो पैसा है गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, वो सारा इनका वर्किंग कैपिटल आधे से ज्यादा स्टक हो चुका है गवर्नमेंट के पास सर्कुलर डेट की सूरत में। दूसरी रीजन ये है कि ओजीडीसी और पीपीएल की प्राइवेटाइजेशन होने वाली है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो बड़े इन्वेस्टर्स ने प्लान किया होता है कि ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसकी वजह यह होती है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन होती है तो शेयर प्राइसेस के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ होता है कि पिछले कुछ पीरियड की वो एवरेज प्राइस शेयर प्राइस देखते हैं, कुछ होता है वॉल्यूम देखते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकता है कि या तो जनरल पब्लिक में वो इशू किया जाएगा, लेकिन ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी बड़े प्लेयर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन के थ्रू अपना इशू कर दे। तो इस तरह से वो कोई भी पॉलिसी बनाए अभी कंफ्यूजिंग है। तो ये दोनों फैक्टर आ चुके हैं ओजीडीसीएल पीपीएल में, तो इस वजह से इनकी शेयर प्राइसेस बढ़नी तो क्या कम होती जा रही है। पीएसओ के सर्कुलर डेट्स बहुत ज्यादा है, एसएनजीपी के बहुत ज्यादा है, इनके पास कैश फ्लो बहुत कम रह गया था, इस वजह से भी इनकी शेयर प्राइसेस उस तरह से अभी तक परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह से करनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक और चीज है, बहुत सारे लोग टिप्स लेते हैं, प्रोजेक्शंस लेते हैं कि जी फलां बंदा कह रहा है कि इस तरह से मार्केट होने वाली है, या हमें लग रहा होता है, हमारी सिक्स सेंस कह रही होती है, लेकिन बड़े प्लेयर्स मोस्टली जो एक क्लैरिटी होती है उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं। तो हर वक्त आप इतने श्योर हो के ओपन हैंडेडली प्ले ना किया करें कभी भी, अपना एक टारगेट प्राइस रखा करें, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, अपना स्टॉप लॉस पॉइंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करें 1:3, मतलब 1 रुपया अगर आपका लॉस होगा तो आप एग्जिट कर लेंगे अगेंस्ट 3 रुपये प्रॉफिट, मतलब कि आपने अगर 3 रुपये का प्रॉफिट प्रोजेक्ट किया है तो हर 3 रुपये के बदले 1 रुपये का लॉस आप मैक्सिमम बियर करें। तो जैसे ही वो उसके बदले 1:3 हिट होती है तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, आपको अपनी पोजीशन क्लियर कर लेनी चाहिए। इसी तरह टिप्स लेना जो है वो बहुत सारे लोगों से पूछ रहे होते हैं, हर बंदे से ही पूछ रहे होते हैं, बताओ भाई क्या बाय करें, ऐसे आप अपनी वर्किंग ना करें, अपनी एक प्रॉपर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाएं, पेशेंस रखें, सब्र तहम्मुल से अपनी एक बाइंग स्ट्रेटजी बनाएं, उस स्ट्रेटजी पे स्टिक हो, आप स्ट्रिक्टली उसको ऑब्जर्व करें, उसके साथ जुड़ जाएं, फिर आप ये ना करें कि जी बेसब्रे हो और आप लालच में आ जाएं और एंट्री ले लें। इसी तरह डर की वजह से आप अपनी पोजीशन क्लियर ना करें, अभी आप सिर्फ डर रहे हैं और अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, तो ये सिचुएशन रखें कि टिप्स अगर ये ऐसे तो लेनी नहीं चाहिए, आपको खुद वर्किंग सीखनी चाहिए, टेक्निकल भी फंडामेंटल्स भी, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करें, प्रोजेक्ट करें चीज़ों को, सिचुएशन देखें, ट्रेंड्स देखें कि अभी क्या चल रहा है, किस शेयर का पॉजिटिव ट्रेंड है, उस शेयर में आप एंट्री लें, उसमें अपने टारगेट रखें।
लेकिन जो अगर आपने टिप्स लेना ही है तो हर बंदे से ना लें, कोई बहुत ट्रस्टेबल बंदा है जिसका आपको पता हो कि ये बंदा बहुत अच्छी राय भी देता है, इसके पास नॉलेज भी है और हम इसको यूज कर रहे हैं। जब तक अपनी खुद नॉलेज हम गेन नहीं कर लेते तब तक हम इस पर थोड़ा थोड़ा रिलाय कर लेते हैं, तब तक सिर्फ उस बंदों तक महदूद रहे। लेकिन फिर प्रॉपर उससे पूछे कि स्टॉप लॉस पॉइंट, एंट्री, एग्जिट, सारा डिटेल में पूछे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वर्किंग करें। हर वक्त स्क्रीन को ना देखें कि जी हर वक्त आप स्क्रीन को देखते जा रहे हैं, उससे ये होता है कि आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इमोशंस हमारे जुड़े होते हैं पैसे के साथ। जैसे कोई शेयर बढ़ रहा होता है हम कहते हैं अपने लॉस वाले को निकालें, उसमें एंट्री ले लें, बाद में पता चलता है वो भी लॉस में चले गए। तो आप इस ऑन स्क्रीन जाने की बजाय एक स्ट्रेटजी पे स्टिक करें अपने आप को, और अपने फियर और ग्रीड से बाहर निकलें, इमोशन से बाहर निकलें, प्रॉपरली वर्किंग करें, एक रिमोट बनकर या मशीन बनकर डिसीजन लें। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट बहुत डिफरेंट मार्केट है, और आपको बताया है कि ये 20-25 फैमिलीज के गिर्द घूम रही है। इसकी जो शेयर प्राइसेस को कंट्रोल करने की जो मेजर कैपेसिटी है वो है जी आपके ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास। तो इंडिविजुअल्स अपना बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा भी है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं, इनफरादी लोग जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे कम रेशो है ये। ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है, इसको पॉजिटिव लिया जा सकता है, मजीद लोग एंट्री लें इसमें, अपने लोगों को दोस्तों को गाइड भी करें, एक लर्निंग करें, उसके बाद एंट्री लें, फिर आप लोगों का इंडिविजुअल्स का डिसीजन बहुत मैटर करेगा। अभी जैसे रोशन पाकिस्तान डिजिटल का जो अनाउंसमेंट की हुई है, वो प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी पाकिस्तानी बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आया है। बहुत अच्छी खासी अमाउंट इंटरनेशनली पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो चुकी है और हो रही है, और फ्यूचर में ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव चीज है, इंडिविजुअल्स ही हैं बहुत सारे जो इंटरनेशनली भी कर रहे हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल्स मजीद स्ट्रांग हो गए, उनके डिसीजन, उनकी एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा मैटर करने लगेगी। तो इसके अलावा लास्ट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जी, फीपी लिपी डेली होती है जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो होता है वो डेली बेसिस पे NCCL नेशनल क्लियरिंग कंपनी जो है वो अपडेट करती है। वहां से आपको पता चलता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन ने, म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया, बैंक्स ने क्या किया, कंपनीज ने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टर ने बाय किया या सेल किया, कितना बाय किया, कितना सेल किया, नेट एक्टिविटी क्या रही, इंडिविजुअल्स की क्या रही, उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी नेक्स्ट देख सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का, बाइंग पे है, सेलिंग पे है, आप उसके हिसाब से भी अपनी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वर्किंग करें और इसी तरह से आप अपनी एंट्री एग्जिट